ऐप को, मतलब जैसे ही खोला वैसे ही ये नोटिफिकेशन आया और कह रहा है अटेंशन अलर्ट, अपडेट योर ऐप फॉर लेटेस्ट फीचर, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप ओल्ड वर्जन भी अगर डाउनलोड करके चलाओगे तो उसमें जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सबसे पहले वो अपडेट मांगेगा। जब तक आप उसे अपडेट नहीं करोगे तब तक वो ऐप ओपन होगा ही नहीं। अब ये देखो भलसवा जहांगीरपुरी लेके जाना है इसको गुजरन वाला टाउन से, उठ मत जइयो, ले गया चलो कोई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं जल्दी निकल गया 10:15 बजे क्योंकि मुझे एक ऑफलाइन ऑर्डर लेके जाना है। बहालगढ़ सोनीपत में आप सभी को पता ही होगा कभी कभार आता रहता है अब ऑर्डर, पहले तो लगातार आता था लेकिन उनका काम है भाई शादी पार्टियों का काम है तो सीजन के हिसाब से चलता है, तो अभी काम डाउन है तो इस वजह से ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे, नहीं तो डेली का चक्कर एक तो सोनीपत का लग ही जाता। जैसे दिवाली के 1 महीने बाद जो लग रहा था भाई, डेली जा रहा था, डेली आ रहा था, डेली लगातार 10 दिन तक मेरा डेली का चक्कर लगा था। तो अभी जिस हिसाब से काम आ रहा है उस हिसाब से ऑर्डर भी आ रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। अब वही है, एक दो महीने बाद जा रहा हूँ फिर से मैं ऑर्डर लेके। और भाई एक अपडेट है, अभी ऑर्डर लेने जाऊँगा मैं, लेकिन एक अपडेट है जो कि पोर्टर ने सीक्रेटली किया है भाई, इसे मैं कहूँगा सीक्रेट अपडेट। जो भी मेरे जैसे राइडर हैं जो थोड़ा सा हटके काम करते थे, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते थे, जो भी ऑर्डर आता था भाई अपने मन पसंद से उठाते थे, बाकी जो नहीं लेने लायक ऑर्डर होता था उसको हम उठाते नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था हमारे साथ। लेकिन अब वही है भाई, जो भी मेरे जैसे काम करता था, मेरे जैसे जो भी राइडर्स हैं, अब पोर्टर ने भाई सबको एक जैसा कर दिया है क्योंकि एक ऐसा अपडेट आया है जो मैं आप सभी को भी बताऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कुछ महीने पहले तक जो डाटा क्लियर होता था पोर्टर में भाई, जो भी ऑर्डर आता था जो नहीं लेना होता था उसे क्या करते थे राइडर, डाटा क्लियर करके और उस ऑर्डर को हटा देते थे और ना ही टाइमर लगता था और ना ही वो ऑर्डर मिस में जाता था और ऑर्डर भी आता था अगला। तो पोर्टर ने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया, मैनेज स्पेस करके ऑप्शन डाल दिया उसमें अपडेट देने के बाद, तो अब डाटा क्लियर वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी राइडर ने ट्रिक लगाया और वो ट्रिक मेरे तक भी आया, मुझे भी पता चला, मैं भी उसको अपना गुप्त तरीके से यूज कर रहा था, मैंने किसी को बताया भी नहीं और ना ही मैंने कहीं किसी वीडियो में दिखाया कि मैं ये चीज़ें या कुछ भी ऐसा चीज़ कर रहा हूँ। तो पोर्टर ने अब क्या किया है कि भाई ऐसा सिस्टम कर दिया है, आप ओल्ड वर्जन भी अगर डाउनलोड करके चलाओगे तो उसमें जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सबसे पहले वो अपडेट मांगेगा। जब तक आप उसे अपडेट नहीं करोगे तब तक वो ऐप ओपन होगा ही नहीं। ऐसा कल मेरे साथ हो रहा था, जब मेरे पास एक ऑर्डर आया मैं उसे नहीं लेना चाहता था, मैंने कर दिया भाई वो कांड, उसके बाद जब मैं लॉगिन किया तो वो अपडेट मांग रहा है और मेरे जान पहचान में जो भी मतलब इस चीज़ ओल्ड वर्जन यूज कर रहे थे, मैंने उन सभी का देखा, उन सभी से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो अपडेट मांग रहा है और बिना अपडेट करे ऐप चल नहीं रहा है। तो अब ये है कि भाई जो भी डाटा क्लियर करता था कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, अब वो जुगाड़ नहीं चलने वाला है, पोर्टर ने पूरा भाई अपडेट कर दिया है। जब तक आप अपने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं रखोगे, जो भी अपडेट आएगा जब तक आप उस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करोगे तब तक पोर्टर ऐप नहीं चलेगा, ऑनलाइन आप नहीं आ पाओगे। लेकिन पोर्टर वाले शायद भूल गए हैं, जितना उनकी टीम दिमाग लगाती है ना उतना ही राइडर्स भी दिमाग लगाते हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो राइडर तो भाई कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगा और निकला भी हुआ है, वो चीज़ें ना तो मैं दिखाने वाला ना ही बताने वाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी निकला हुआ है। राइडर्स भी बहुत चला के भाई, सिर्फ कंपनी ही नहीं चला के, राइडर भी बहुत चला के, और राइडर कोई ना कोई और सॉल्यूशन इसका निकाल ही लेंगे। बाकी भाई मैं लेट हो रहा हूँ, आप अगर आप भी ओल्ड वर्जन यूज करते थे और आपके पास क्या आ रहा है, क्या आपका एप्लीकेशन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई ये ड्राई आइस 10 kg इस बॉक्स में लिया है मैंने, ठीक है, और 10 kg का है, यहाँ से पिकअप किया है भाई, देखो विष्णु गार्डन ख्याला, ख्याला है ये, ख्याला पड़ता है, और इसमें ट्रक में भर के आता भाई यहाँ कांटा और यहाँ से मैंने लिया है। अब इसमें ये बताऊँ कि देखो ये ड्राई आइस वाला मतलब यहाँ पर सस्ता देता है, बाकी जो मैं लेता था ना पहले रिठाला से तो वो महंगा देता है क्योंकि वो ना खुद ही मतलब इनसे खरीद के लाता है,
जो ऐसे होलसेलर है ना, ऐसो से वो खरीद के लाता है, वो फिर रिटेल में बेचता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको रेट नहीं पता ना, तो भैया यहाँ पे भी चूना लगा देगा। मैंने कल फ़ोन करके पूछा था तो कुछ और रेट बताया था, और यहाँ पर जब मैंने ले लिया 10 केजी, और जब लेके जब पैसे दिया, मैंने पूछा कितना हो गया, तो कुछ और रेट बता रहा है ना। तो मैंने फिर बोला कि मैं फ़ोन पे बात किया था कल, तो ये रेट है, ये रेट बताया था मुझे, तो फिर उसी रेट पे मुझे दे दिया। तो यही है, अगर पहले रेट पता करके नहीं आओगे ना, और आप कभी कभार आते हो लेने, जैसे रेगुलर के कस्टमर नहीं हो इनके, तो ये चूना लगा देते हैं भाई। तो इसलिए पहले रेट पता कर लेता हूँ मैं, कहो फटाफट से डिलीवर अपना बहालगढ़ सोनीपत में, और फिर वहाँ से आता हूँ मैं राय, और राय आके दिखा देखते हैं भाई। आज संडे है तो संडे के दिन बचता है वहाँ से, या फिर मुझे खाली आना पड़ता है, क्योंकि संडे के दिन तो काफ़ी ज़्यादा बंद ही रहती है फैक्ट्री वहाँ पे भी। तो देखते हैं मिलता है फिर या नहीं, या फिर खाली आना पड़ता है भाई। अब ऑफलाइन ऑर्डर है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊंगा लेके तो फिर पार्टी भाई ख़राब हो जाएगी, है ना। तो चलो यार, करते हैं फटाफट से इस ऑर्डर को भी डिलीवर। भाई एक कुंडली से थोड़ा सा आ गया हूँ, रास्ते में शरबत बट रहा था तो ले लिया है मैंने, यहाँ पर बट रहा है तो सही है यार, शरबत पीना। भाई ये है बहालगढ़ चौक, ऑर्डर हो गया डिलीवर, टाइम देख लो 12:04। तो 11:30 का टाइम दिया था मुझे कि आप 11:30 तक आ जाना, पहुंच जाना, लेकिन वही है घर से निकलने में ही थोड़ा सा लेट हो गया। 10:15 के आसपास घर से मैं निकला हूँ, अगर 9:30 निकला रहता ना, तो फिर आराम से मैं 11:00 तक यहाँ पहुँच जाता, लेकिन लेट निकला। फिर मुझे जाना वहाँ पे विष्णु गार्डन गया, फिर वहाँ से लेके और फिर यहाँ पर दिया मैंने। तो विष्णु गार्डन से ये समझ लो 1 घंटे 1.25 घंटे का है ना, 1 घंटा 1.25 घंटा का रूट है। पेट्रोल डला लूँ क्या? चलो यार पेट्रोल डलवा लेता हूँ, है नहीं, पेट्रोल डलवा के फिर मिलता हूँ आप सभी से सीधा राय इंडस्ट्रियल एरिया में। भाई आ गया हूँ मैं राय इंडस्ट्रियल एरिया, और एक चीज़ दिखाता हूँ। कल देखो, कल तक तो भाई ये गूगल प्ले स्टोर से लिंक होके कह रहा था कि सिर्फ आप अपडेट करो ऐप को, ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर आके जैसे ही ऑनलाइन किया ऐप को, मतलब जैसे ही खोला वैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, और कह रहा है अटेंशन अलर्ट, अपडेट योर ऐप फॉर लेटेस्ट फीचर, क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, देखो प्ले स्टोर पर लिया है ये, और मेरा अप टू डेट है ऐप अभी, ठीक है। और यहाँ से ये कह रहा है कि भाई आप इसे डिस्प्ले ओवर ऐप करो, तो मैंने कर दिया, अभी मैंने डाउनलोड करा है इस ऐप को, सिर्फ अभी किया है। और अगर आप ओल्ड वर्जन चला के और फिर चाहोगे कि कर लूँ मैं कुछ, तो भैया नहीं हो पाएगा, अब वो सिस्टम ही हटा दिया सारा चीज़, देख रहे हो ना। पोर्टर वाले ने डाटा क्लियर करने का पूरा जो भी जुगाड़ से चल रहा था ना अभी तक, सारा हटा दिया भाई। और जो भी राइडर थे मेरे तरह जो करते थे, भाई मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तो कर रहा था, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को फैलाया था मैंने ही। ये जो डाटा क्लियर वाला ऑप्शन है, ये किसी को भी नहीं पता था। मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो से सभी राइडर्स को पता लगा, और धीरे धीरे फिर सब करने लगे। अब किसी ने भाई कंपनी को बता दिया, कंपनी ने फिर इस अपडेट को ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर भाई छाए में रुकते हैं, यहाँ पर यही अपना अड्डा है, और ये बिरयानी वाला है, बिरयानी खाते हैं, और देखता हूँ दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही ऑर्डर आता है कोई। फिर तो भाई साहब लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए मुझे यहाँ पर बैठे बैठे, मतलब राय में इधर उधर घूम ही रहा हूँ भाई, तब से यहाँ पे आया और तब से इधर ही घूम रहा हूँ मैं। लेकिन भाई एक भी ऑर्डर नहीं बजा, जिसे कहते हैं ना एक भी बजा हो कहीं का भी, भाई साहब एक ऑर्डर भी नहीं बजा, ना ही मुझे कोई एक यहाँ पे राइडर दिखा, सिंगल ऑर्डर भी नहीं बजा भाई। पूरा राय घूम लिया मैं, इधर उधर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, चक्कर मार लिया, लेकिन ऑर्डर नहीं आया भाई एक भी, और ना ही मुझे कहीं पर राइडर दिखा भाई संडे के दिन। इसलिए मैं कहीं पर भी आउटर नहीं जाता, ये तो ऑफलाइन ऑर्डर था आज तो मैं लेके आ गया, लेकिन मैं संडे को भाई दिल्ली के अंदर ही रह के काम करता हूँ मैं, वो भी आसपास में ही रह के काम करता हूँ मैं, ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ से मिलने की उम्मीद हो और मिल जाए, है ना। अब जैसे ये राय है भाई बजने को, तो यहाँ से भी बजते हैं ऑर्डर, आपने देखा होगा कई बार मैं ले गया हूँ यहाँ से,
लेकिन आज संडे है भाई, अब संडे में इक्का दुक्का ऑर्डर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, उसी का इंतज़ार करते करते मैं 2 घंटे तक यहाँ पर वेट कर लिया। ये तो राइडर नहीं है भाई, ये ऐसे ही लोकल बंदा है, लेकिन कुछ बज ही नहीं रहा भाई। अब मैं यहाँ से 10 किलोमीटर कुंडली है, अब कुंडली जा रहा हूँ, निफ्टम चौक के आसपास रुकूँगा थोड़ी देर। ये धूप इतना ज़्यादा है ना कि अगर कहीं आपको छाया जगह मिल जाता है ना, तो फिर उसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता खाली, है ना। वही अगर ऑर्डर आ जाए तो फिर भैया चलो, चाहे कितनी भी धूप हो कितनी भी गर्मी हो, लेकिन बिना ऑर्डर के कैसे जाए भाई। ये एक राइडर दिख रहा है मुझे, एक राइडर ही है भाई, ये पोटरी चला रहा होगा, यहाँ बैठा हुआ है, ये भी पता नहीं कब से बैठा हुआ है भाई। देखो अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं खाली 10 किलोमीटर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे अगर नहीं बचाना भैया तो फिर तो भूल जाओ। वहाँ से अगर बवाना जाऊँगा 13-14 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से तो वही 24-25 किलोमीटर के आसपास है बवाना। चलो यार देखते हैं, अब बताता हूँ आप सभी को मैं पहुँच के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, और देखते हैं बसता है वहाँ पर या नहीं बसता। तो भाई ऑर्डर आ गया मेरे पास, आधा घंटा वेट किया मैंने यहाँ पे। चलो कुंडली आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, यानी जो मैंने भाई कुंडली आने का डिसीजन लिया वो सही था। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है 100 मीटर, तो एक बार मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मॉडल टाउन लेके जाना है इस ऑर्डर को, 254 रुपये का है, तो एक बार फ़ोन करते हैं भाई। HSIDC के ऑफिस पे आ गया हूँ। नीले कलर का एक गेट है देखो, नीले कलर का। हाँ। किधर के साइड, मेन रोड पर या अंदर गली में घुस के? अंदर गली में। तो भाई साहब ये 2 बॉक्स हैं छोटे छोटे, इसको मैंने बैग में ही डाल दिया है, ठीक है बैग में ही। और ये दिखाता हूँ आप सभी को, 254 रुपये का भाई। ट्रिप स्टार्ट करता हूँ और मॉडल टाउन लेके जाना है इसको। डिस्टेंस देखते हैं कितना दिखा रहा। हेलो मोटो, किसका फ़ोन आ गया? कस्टमर का आ रहा। हेलो भाई साहब, वो पैकेट कुंडली से कितनी देर में उठा लोगे? सर पिकअप कर लिया है मैंने अभी। अच्छा भाई साहब। हाँ जी निकल रहा हूँ बस। यहाँ पर मॉडल टाउन दिल्ली में कितने बजे पहुँच जाओगे आपके हिसाब से अंदाजा? सर एक घंटे के आसपास देख रहा हूँ, 40-45 मिनट पहुँच जाऊँगा, 1.5 घंटा। ठीक है जी। तो भाई कस्टमर का फ़ोन था जिसने बुक किया है, उसने फ़ोन करा था। तो डिस्टेंस देख लो, 22 किलोमीटर का दिखा रहा है और 36 मिनट लगेगा सिर्फ। मैं कस्टमर को 1 घंटा बता रहा था, लेकिन फिर जब मैंने टाइम देखा कि इतना ही दिखा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि 1.5 घंटा लगेगा, यानी 45 मिनट के आसपास। तो देखो यानी ये है भाई, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट से सीधा आज़ादपुर, आज़ादपुर से लेफ्ट लेते ही, और यहाँ से देख लेता हूँ मैं। चलो बाकी चलते हैं इस ऑर्डर को लेके। तो भाई मेरा डिसीजन सही था, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो ये ऑर्डर मुझे नहीं मिलता, और हो सकता था कि मुझे वहाँ पर अभी तक बैठे ही रहना पड़ता, यानी खाली ही बैठे रहता मैं वहाँ पर। जैसे मैंने 2 घंटे वहाँ पर वेट किया और वो 2 घंटे मेरा वेस्ट हो गया पूरा। तो ये डिसीजन सही है। कभी कभार ना मतलब ऐसे 5-10 किलोमीटर होता है ना, 5-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जहाँ से मतलब नहीं बज रहा हो और बजने की उम्मीद भी कम होती है, तो वहाँ से अगर आपको कोई आसपास में एरिया लगता है ना जो 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 12 किलोमीटर हो, तो आ जाया करो। जैसे आउटर एरिया है, राय है, वहाँ से भाई कम ऑर्डर निकलते हैं, लेकिन कम निकलते हैं, है ना। तो कम निकलते हैं इसका मतलब ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 घंटा वेट कर लिया, उसके बाद सीधा निकल जाओ जो आसपास के एरिया हो जहाँ से बजने की उम्मीद हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब राय में देखो संडे है, यहाँ से भी उम्मीद नहीं था, कुंडली से भी उम्मीद नहीं था, संडे को कुंडली भी बंद रहता है। अगर कोई दूसरा दिन होता ना, जैसे शनिवार भी होता, तो एक चल जाता है एक तरीके से, ऑर्डर मिल जाता है यहाँ से राय से। कई बार मैं लेके गया हूँ, और संडे को भी मिला है मुझे कई बार मैं संडे को आया हूँ, संडे को भी मिला मुझे कई बार, लेकिन इस बार आज पता नहीं क्या हो गया संडे को। और देखो छुट्टी हो गई क्या यहाँ कुंडली में, सभी जा रहे हैं भाई। चलो मैं भी चलता हूँ और फटाफट से करता हूँ इस ऑर्डर को डिलीवर मॉडल टाउन में, फिर देखते हैं भैया वहाँ से अपने को क्या मिलता है। ये भाई 5:19 पे पोर्टर का पहला ऑर्डर आज का हो गया है डिलीवर।
ओ भाई 203 रुपये इसमें मिले हैं, बताओ। अभी तो जो सुबह में पेट्रोल डलवा उसका भी दाम नहीं निकला है। 51 रुपये वॉलेट माइनस में और 203 रुपये अर्निंग हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है भैया, पूरा दिन तो बर्बाद हो ही गया एक तरीके से समझ लो। शुरुआत जैसा हुआ था ना भाई साहब, जिस दिन ऑफलाइन ऑर्डर लेके आओ ना, बहुत अच्छा काम करा है मैंने। क्योंकि शुरुआत भाई 11-12 बजे मैं निकलता हूँ, उस टाइम पे मैंने 600 का काम कर रखा था, लेकिन तभी भी ऑर्डर नहीं दिया। अब ये देखो भलसवा जहांगीरपुरी लेके जाना है इसको, गुजरन वाला टाउन से, उठ मत जाइयो, ले गया चलो कोई। गुजरन वाला टाउन से पिकअप करना है, भलसवा जहांगीरपुरी लेके जाना है। अब तो बस रोहिणी पीतमपुरा का ऑर्डर बजा दे यहाँ से, नहीं तो यहाँ से भी लग रहा है खाली जाना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, 5:20 हो गया, वेट करता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को। जैसे ही कोई बढ़िया सा ऑर्डर उठा कर दिखाता हूँ, इसकी माँ का दिमाग खराब कर दिया भाई। तो भाई अब बात कर लेते हैं अर्निंग का। तो मॉडल टाउन से मुझे एक ऑर्डर मिल गया था बुध बिहार का, 200 कुछ रुपए का था, ठीक है। तो पोर्टर में मेरा 2 ट्रिप कंप्लीट हुआ था बुध बिहार, वो ऑर्डर डिलीवर करके मैं घर आ गया था। तो 2 ट्रिप में 392 रुपये अर्निंग हुआ, आप इसको 400 रुपये मान के चलो। और जो ऑफलाइन ऑर्डर मैं यहाँ से लेके गया था, जो बहालगढ़ गया था सोनीपत लेके, उसमें मुझे मिले 600 रुपये। तो 600 और 400, ये टोटल 1000 रुपये अर्निंग होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता था, अगर राय से मुझे कोई ऑर्डर मिल जाता बढ़िया सा, 400 का 500 का टाइम पे मिल जाता। जैसे मैंने 2-2.5 घंटे वहाँ पे वेस्ट हुआ ना मेरा पूरा, संडे था ऑर्डर नहीं मिला भाई, इतना ही काम हो गया, ये भी बहुत है संडे को। और बाइक की बात करूँ तो ज़्यादा बाइक चला नहीं है, 85-86 किलोमीटर के आसपास चला होगा। 150 रुपये का पेट्रोल हटा देता हूँ तो 850 रुपये टोटल अर्निंग मेरा बचता है। 10-10:15 बजे के आसपास मैं निकला था और 7 बजे के आसपास मैं घर आ गया था। तो वही आप मान लो कितना हो गया, 7-9-8-9 घंटे के आसपास मैंने काम किया है। और ये जो अपडेट मैंने बताया आप सभी को, ये आपके पास आया है या फिर नहीं आया, आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।